मंदिर हो या मस्जिद तो ये जाना जरूर है। ऐ गोविंदो सुनो तुम मरना जरूर है। नगर के सम्राट बन जाओगे। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं उज्जैन नगर का सम्राट बन जाऊंगा। हा हा, मैं तेरे कहने से कैसे सम्राट बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह है। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ,
और मैं कोई और नहीं, मैं वही जयपान से आया ताहिर पहलवान की रूह आत्मा भटक रही है। यानी तुम उस पहलवान की रूह भटक रही हो, आत्मा। हाँ, मैं अपने राज से यहाँ पे राज करने आया था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि अगर किसी कन्या पे हाथ उठाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। दाहिर पहलवान, सबसे पहले ये हमारे आदमियों को जीवित कर। ठीक है, अगर नहीं जीवित करेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, मैं इन्हें जीवित करता हूँ। क्लीम क्लीम चामुंडा विश्वर अब मैंने तुम्हारे आदमियों को जीवित कर दिया। अब मैं तुम्हें जो तरकीब बताऊंगा महामंत्री, मेरी बात को गौर से सुनो। ए पहलवान, अब बता, अब मुझे वो तरकीब बताओ जिससे मैं उज्जैन नगर का बेताज। आज राजकुमार करण सिंह और राजकुमारी चंदा वियावान शिकार खेलने जा रहे हैं। अगर वो शिकार खेलने जा रहे हैं तो उनके शिकार खेलने से मैं यहाँ का सम्राट कैसे बन जाऊंगा, ये बताओ। सम्राट तुम बन जाओगे जब बियावान जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि अब आज के बाद जो हमारी शक्ति है वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी महामंत्री। यानी तुम्हारी आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारी ये रूहानी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। हाँ। तो इससे हमारी शक्ति 10 गुनी बढ़ जाएगी। तुम्हारी शक्ति 10 गुनी बढ़ जाएगी और तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। यानी अगर तुम हमारे अंदर प्रवेश कर जाओगे तो मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा। हाँ हाँ महामंत्री। अब बताओ उसके आगे क्या करना है। उसके आगे जब तुम बियावान में जाओगे तो तुम्हें राजकुमारी अकेली मिलेगी और तुम वहां जाके राजकुमारी की इज्जत बर्बाद कर देना। क्या कहा? राजकुमारी की इज्जत मैं बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम नहीं कर पाओगे, जब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश होगी तब तुम करोगे, तो सारी तरकीब तुम्हें आगे आगे तुम्हारे दिमाग में आती रहेगी। चलो, अगर मैं यहाँ का बादशाह बन जाऊंगा, हम तो यहाँ का बादशाह मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में यहाँ का सम्राट बनने की ख्वाहिश है। तुम सही कह रहे हो, आज 22 वर्ष हो गए हैं केवल मंत्री पद पे कायम हूँ। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी सम्राट की तरह बन जाऊं। तो महामंत्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, तुम्हारा सारा काम आसान होता रहे। ठीक है, तुम जाओ,
और मेरे शरीर के अंदर प्रवेश अपने आप को करो। आपकी रूहानी ताकत, अपनी रूहानी ताकत हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करो। ठीक है। ओ भारियो जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद। अब यहां का बेताक बादशाह बने से कोई भी ताकत नहीं। महामंत्री संग्राम सिंह जो चाहेगा वो काट खाएगा। अरे दरबारी जल्दी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना शैतान जिंदाबाद। ये त्रिशूल तेरे पेट के अंदर होगी और तेरी औरत विधवा हो जाएगी। शैतान जिंदाबाद। अब तो पेशाब है भाव भाई चट्टी हो जाए। दरबारी चिल्लाने तो हमारी दुर्दशा हो जाती। अब तुम मेरे साथ रहोगे। चिल्लाओ ना, लेकिन चिल्लाऊ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम दोनों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब हाथ पहुंचाऊंगा तुम्हारा जज्बा। बताया है कि राजकुमारी चंदा और राजकुमार करण सिंह बियाबान जंगल शिकार खेलने जा रहे हैं। ये समझ रहे हो ना? और ये खेल अब बियाबान जंगल। तुम दोनों अब क्या होगा? कसम है गंगा मैया की, कसम है गंगा मैया की, ऐसा माहौल बनाऊंगा कि घर घर में खुशियों की जगह माता के एक चीज जान लियो, यह साला कहा तब हम जाए बियान जंगल। बियान नहीं बैलान सारे, यह बैला का खुदा है। एक चीज वजून परेतवा रहा ना, यही के अंदर घुस गया परेतवा तो पेल गवा। लेकिन एक चीज और जान लियो,
बचे रहो नहीं पूरी तरह से परेत यही के सवार या कही सी कि हम तुमका दुनों को कुछ न दखल दे दखल न दी सार कहो घर है हमारे चला जाए नहीं नहर रुए के साला वो करे तो आ नहीं तोरे अम्मा के ऊपर चढ़ बैठे अम्मा के नहीं तोरे बच्ची के ऊपर चढ़ी सा ये बातें सब छोड़ो अब ये लंबरदार जो जा रहे हैं जंगल की तरफ अब इनके साथ चलना है लेकिन कहना क्या है अर कौनी नगरिया से तुम धनिया आई कौनी नगरिया साले पहुंचा ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान जनाना भेष में राधा जी के पास पहुंचते हैं तो राधा जी कहती हैं क्या कहती है क्या कहती है अरे कौनी नगरिया से तुम धनिया आई हो क्या कहते हैं अरे गोकुला नगरिया से धनिया आई गई गोकुला नगरिया से तुम धनिया आई गई गोकुला नगरिया दरबार में कितने दिन से ड्यूटी करते हो हमका हो गई ज्यादा दो चार साल जब तुम्हें पता है महामंत्री संग्राम सिंह के आने से पहले सिंहासन लगाना चाहिए भेजे रही भाई गंदी रही है डबल रखो तिबल रखो अब डबल रखो आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए और जाओ आज हमारी बेटी लक्ष्मी को बुला के लाओ अच्छा लक्ष्मी हाँ हमारी बेटी लक्ष्मी को बुला के लाओ हम अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहते हैं अभी मेरी बेटी नहा रही है नहा भाई रही कपड़ा बदल रही है ठीक तो, है या तो देखा तुरंत मुंह घुमा ली नहीं कहूं उल्टा सीधा पर नजर पहुंच जा ए, अगर हमारी बेटी के बारे में कुछ बोला नहीं कुछ साले तेरी आंखें फोड़ दूंगा इधर उधर की बात छोड़ो नहीं हम कुछ नहीं बोला वो कपड़ा बदल रही है तो कहो परिन गए घुमा ली ने मुंह क्या घुमा लिया मुंह घुमा ली भाई नमस्ते पिताजी नमस्ते बेटा क्या बात है
बदतमीज, गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग क्या है? बात मार खाओगे? क्या बात है? तो सीधा नमस्ते कह दो ना। क्या बात है अचानक मुझे क्यों बुलाया है? बेटी लक्ष्मी, तुम तो जानती हो कि जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है, मैं ही तुम्हें माँ का प्यार देता हूँ और पिता का भी प्यार देता हूँ। पिताजी, यही तो सोचकर मैं अपने दिल में सोचती रहती हूँ कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, तुम ही से माता और पिता का प्यार पाया है। बेटी, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। क्यों नहीं पिताजी? और बताओ बेटी, तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है पिताजी, और आज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कहो मेरी बेटी, क्या कहना चाहती हो? एक मन कहता है कह दूं, एक मन कहता है ना कहूं। अरे कहीं सुनकर मेरी बात आप नाराज ना हो जाए। तू तो मेरे आंगन की गुड़िया है, जब तू आती है तो मेरा महल चहक जाता है। कहो गुड़िया, कहो मेरी पुत्री क्या कहना चाहती हो बेटी, शौक से कहो। यदि आप जिद कर रहे हो तो आज अपने दिल की बात जरूर बताओ। कहो बेटी, अगर तुम अपनी दिल की बात अपने पिता से नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? ठीक है पिताजी, बैठिए पिताजी, मैं बता रही हूँ। ओरे पिताया पीछे रे जो एक हमारी, चमन घूमूंगी पिताजी, वहां जाके बाबू चमन घूमूंगी, इजाजत मुझे दो जाना चाहती हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो बेटी आपके कदम बढ़ाए, अन्यथा अपना कदम रोक ले। नहीं मेरी बेटी, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरा दिल हो, मैं तुम्हें भला कैसे नाराज कर सकता हूँ बेटी। तो जाओ तुम सौंप से बेटी, जाओ तुम सौंप से, रजा है हमारी। इच्छा शिकार खेलने की, चमन घूमने की, तो जाओ मेरी बेटी, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने बंगले पर आ जाना। पिताजी, इसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि आपके बेटी बच्ची नेरी सहनी हो चुकी है, सूरज तोले से पहले पहले ये आपके बेटी के कदम हवेली में पड़ जाए। लेकिन बेटी, अकेले नहीं जाना, जाना तो सहेलियों के साथ जाना। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मुझे ला दरबार जाना है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। क्या बोलो? सी यू। सर ये पचा शिव का है।
बेटी है, महामती संग्राम सिंह की है। साले खपा जो बड़े बड़े नहीं ना, आज नहीं है तो कल तक तो प्रोग्राम कर दूंगा तुमको बड़े बड़े, ठीक। आज और कर लियो, कल और कर लियो, फिर उसके बाद देखो, ठीक है। अब हम अपना काम करेंगे। राजकुमार, राजकुमारी चंदा शिकार खेलने जा रहे हैं, मैं भी वहीं चलता हूं और राजकुमारी चंदा से मिलूंगा। आज के बाद ये शैतानी दिमाग रूहानी ताकत इस्तेमाल करूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। वारे ऊपर वारे। ए मोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? हम आपके पापा के साथ जा रहे हैं। तो ठीक है, तुम जाई तई संझा होए के पहले चली आयो। ठीक है, शाम होने से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। हाँ नहीं, कौनो लौंडे मिल गए ना रत्ता में। आज मैंने जीवन में पहली बार झूठ बोला है, क्योंकि पिताजी से इजाजत मैंने लिया कि चमन की शेयर करूंगी। सच तो ये है पिताजी कि मैं राजकुमार करण से प्यार करती हूँ, उनसे मिलने जा रही हूँ। ना मालूम करण कितनी देर बाद आएगा, मैं उनका इंतजार चलती हूँ उसी झील किनारे करूंगी जहां रोज इनसे मुलाकात होती है। क्या बताओ, जब तक मैं करण को देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। ना मालूम क्या जादू है, क्या जादू है इसके आंखों में, जो देखने के बाद ये अंग अंग उसका नाम जपने लगता है। और इस सावन आए बादल छाए करण, और इस सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहेगी फूल।